नहीं, हमें वहाँ 370 की जब बात हुई हमें नहीं मालूम था आज उठेगा, लेकिन जब उठा हमने सपोर्ट किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया, और जहाँ भी 370 का रेजोल्यूशन होगा हम सपोर्ट करेंगे। और ये बंद किताब नहीं है, इस सेशन में आगे भी 370 का इशू उठेगा। क्या पब्लिक स्टैंड है और कुछ भी नहीं? और जब उमर अब्दुल्ला साहब जो इलेक्शन में बोल रहे थे वो क्या था? जो गवर्नर एड्रेस में उसमें तो नामो निशान ही नहीं है इसका। 370 का इस सेशन में जो रूह होगी वो 370 ही। सज्जाद साहब, जब वहीदुर रहमान पर एक्सपोज हुए, कौन एनसी वाले कंफ्यूज हुए या एक्सपोज हुए, दो में वो आप तक रखते हैं सर। जब वहीदुर रहमान पर ने 370 की बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है ड्रामा है, मैंने आपको बता दिया उसके बारे में, मैंने आपको बता दिया। एक चीज पूरी कौम को पता चलनी चाहिए, 4 या 5 मेंबरान उस रेजोल्यूशन के हक में उठे, बाकी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कटे थे और खिलाफ थे। सो इट वॉज 5-85। सो अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है, वो लोगों को बताएं वो इसके हक में या खिलाफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 100 ही यूनिट्स फ्री मिलेंगे उन्हीं लोगों को जो डिजर्व करते हैं। देखिए वो अब बाद में बाकी बात करते हैं, लेकिन ये जो गवर्नर एड्रेस है इसमें भी 370 का जिक्र नहीं है, जबकि जो मैनिफेस्टो है उसमें बताया गया था कि पहले वर्किंग डे के दिन 370 का रेजोल्यूशन। सर वो थोड़ी चलता है, वो चले आज नहीं था तो आगे वो रेजोल्यूशन लाएं, हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम पर तो ये बोलते थे ए टीम बी टीम है, अब ये शाल वालों की टीम है, ये शाल वाले ही लाएं, हम सपोर्ट करते हैं, हमें क्या है? शाल वाला कौन है? शाल वाला सबको, दुनिया को पता है शाल वाली की टीम।